इसके जरिए से तुम्हें निजात मिलेगी,
والدین کے اوپر. آپ سب اٹھا کر جینے کی کوشش کرو, سب جھکا کر نہیں, سانس لیے کہ تمہارے دامن, تمہارے ہاتھ میں دامن اس کا ہے کہ جس نے تمہیں ہر مقام پر, ہر موڑ پر سر اٹھا کر بات کرنے کا موقع دیا. سب جھکا کر نہیں, اس لیے کہ ہم امام کو مانتے ہیں, اس امام کو مانتے ہیں
जरा गौर करें, इन बातों पर फिक्र करें। वाहवाही के लिए मजलिस नहीं होनी चाहिए, इबादत के लिए मजलिस होनी चाहिए, दर्स के लिए मजलिस होनी चाहिए। दर्स लेने अपने बच्चों को नारा भी जब अच्छा लगता है, जब मार्फत इमाम हो। जाकिर ने क्या जुमला कहा है, कुछ हासिल हो। एक दूसरे के वाहवाही में हाथ उठा देना कमाल नहीं है। भाई इस मौलाना साहब ने हाथ उठा दिया तो मेरे को नहीं समझो, जाकिर बयान क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो जाकिर मतलब अभी अपने अंदर की तमाम खामियों को दूर करो। हमें किसी के सामने नहीं, इमाम के सामने हाजिर हो रहा है। हम दुआ कर रहे हैं इमाम चले आओ, इमाम के लिए दुआ दुआ पढ़ो, इमाम की सद सलामती के लिए बाबा जमन सलावत पढ़ो। मोहम्मद साले आला मोहम्मद दुआ कर रहे हैं इमाम जल्दी से आना, आप आएंगे तो फैसला तभी होगा, इंसाफ तभी होगा, हक तभी बुलंद होगा, हकानियत तभी सामने आएगी, जुल्म खत्म हो जाएगा। और ये दुआ है, लेकिन ऐसे सहने मतलब कभी दामन किरदार को देखा कि हम जिसे बुला रहे हैं वो तहारतों का कबीला है। सुभान अल्लाह, क्या कहें, जहां पर निजात नहीं जाती। अल्लाह ने वादा किया है, मैंने नहीं, अल्लाह ने खालिक कहना है, निजात करीब नहीं जा सकती। उसे बुला रहे हो, अपने अंदर देखो कितनी खामियां हैं। हम बैठकर दुकानों पर और दरगाहों के बाहर बैठकर बातें तो कर रहे हैं, लेकिन दर्श नहीं दे रहे हैं। अकवाल मासूमीन जरूर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस्तफादा हासिल नहीं कर रहे हैं। इमाम ने खुद भूखा रह के दूसरों को सैराब किया, दूसरों को खाना खिलाया, इमाम ने दूसरों की परेशानियों को दूर किया, और आज तक अभी कायनात परेशानी दूर कर रहा है, करता रहेगा कयामत तक। तो ने मतलब इमाम ने क्या फरमाया, अपने अंदर मांगने की आदत ना डालो, देने की आदत डालो। इसलिए कि हमारा इमाम हमेशा देता है, जैसे तुम अपने अंदर आदत डाल के चले जाओगे वैसे ही बन जाओगे। मांगना अगर शुरू कर दिया तो मांगते रहोगे, कोशिश करो इबरत हासिल करो। ये वजह से इंसान को इंसान बनाती है, और साहिब सलमान बनाती है, और फखर सुलेमान बनाती है। सलमान ऐसे नहीं बनते हैं, इन वजहों से सलमान बनते हैं। आप वार करें, फिक्र करें, मजलिसों में आकर बैठा करें, आप बयान सुना करें, सिर्फ वाह वाह कहकर न चले जाया करें, कुछ लेकर चले जाओ तो समझो कि हम मजलिस में गए थे। अगर एक मजलिस से एक इंसान एक बात लेकर निकल जाए तो जिंदगी में लगाने के लिए मजलिस सुनता है, कोई कमी न रहे इंसान के जहन और दिमाग में, साफ और शफाफ हो जाए। जैसा इमाम चलते हैं मोमिन बनो, मोमिन। हम अपने आप को मोमिन भी कहलवा रहे हैं, शिया भी कहलवा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर न मोमिन की कोई सिफत है न शिया की कोई सिफत है। हकीकत है हम सिर्फ मोहिब हैं, चाहने वाले। लोग हमें शिया कह रहे हैं, शिया शिया का मर्तबा बड़ा बुलंद है, शिया का मर्तबा बड़ा बुलंद है, मोमिन का मर्तबा बड़ा बुलंद है। लेकिन अजीजो ये चंद बातें अगर मेरी आपको गर्व लगी हो, नहीं ये इसलिए कि मेरा बयान नहीं है, मेरे इमाम का बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब बयान बता रही, रिवायत बता रही है। अपने अंदर इंसानियत को जगाओ, इंसानियत को पैदा करो, अखलाक बुलंद करो, अखलाक बुलंद करो। इसलिए कि मेरा इमाम ये नहीं चाहता कि मेरा चाहने वाला किसी भी मोड़ पर किसी मंजिल पर शर्मशार हो, मैं इमाम नहीं चाहता। हर
منزل پر ہر مقام پر میرا چاہنے والا سر اٹھا کر کہے میں شیعہ اسنا شریف ہوں. ایسا چاہنے والا بنو. روایتیں بڑی بڑی ہیں, واقعات بہت ہیں, لیکن مختصر نموں میں میں آپ کے آسان تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوں. عزیزان محترم, امام نے ہر موقع پر ہر منزل پر روک کر بتایا. کربلا میں صرف 72 کیوں گئے, امام نے بتا دیا تھا کہ رام میرا مقصد دولت نہیں, میرا مقصد صرف میرے نانا کا دین بس جائے. عزیزان نے مظلوم نے کربلا کربلا کے تبتے ہوئے سہرا پر نبی کا نواسا یکو تنہا کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا کے دامن ابھر کے لا رہے. آزادانہ نے مظلوم کربلا کبھی ننے علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پر جب آ کر آواز دے رہا باپ علی اصغر کو آ کر لے جا, تو رباب سے پہلے جناب سکینہ دوڑ دی خیمے کے در پر آئے. آنے کے بعد ایک جملہ کہا, بابا میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ ابھی تم نے علی اصغر کو دیکھا نہیں. جناب سکینہ نے یہ جملہ کہا, امام نے ابا کا دامن ہٹایا, ادھر خیمے میں خیمے کے قریب رباب نے طرف کو چلا لگا, باپ کو دیا ظلم بڑھ رہا ہے, آخری امام کے ظہور میں
تاجيل دعونا تاجيل دعونا تاجيل دعونا تقبل منا نعم